बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, कौन सा आपने टेस्ट कराना है स्पेसिफिक स्पेन के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्क परमिट के लिए जो आपने पासपोर्ट सबमिशन कराई हुई है उसमें कितना टाइम लग रहा है, पासपोर्ट कब रिटर्न करने वाले हैं वो। तो ये दोनों बातें हम करेंगे। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकें। तो पहले हम बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने फाइल जमा कराई हुई है वर्क की, उसके रिटर्न की क्या बात है। तो उसमें क्या है चल रहा है, पहले तो होता था ये कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाता था। 45 दिन का मतलब होता है डेढ़ मंथ के अंदर आपको आपका जो फाइल था वो, आपका जो प्रोसीडिंग थी वो एंड कर दी जाती थी, आपको ख़त्म कर दिया जाता था कि आपको जहाँ तो वीज़ा मिलता था या रिजेक्शन मिलती थी। इसके साथ मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि अब आपने करना क्या है कि जैसे कि आपको पासपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को 3-3 मंथ हो चुके हैं जिनके पासपोर्ट जो है TCS के पास भी, स्पेन एम्बेसी के पास पड़े हैं और TCS वो उनको कॉल नहीं कर रहे हैं। तो अब आप एम्बेसी को कॉल करें और उनको अपना सारी डिटेल बताएं कि हमने इस तरीके को सबमिशन कराई थी और इसके साथ हमने इस तरीके को हमारा केस फाइल हुआ था और उसके बाद हमें अभी तक पासपोर्ट रिटर्न की कॉल नहीं आई। तो एम्बेसी जो है वो आपको दोबारा रिप्लाई करेगी, आप वो TCS को दिखाएंगे, TCS पर आगे की प्रोसीडिंग आपको बताएगी और आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एम्बेसी डायरेक्ट TCS को कॉल कर देती है कि फलाना मुतल्लिका बंदा जो है इसका पासपोर्ट हम आपको भेज रहे हैं, आप उनको कॉल करें कि रिसीव कर लें। और उसमें आपका जरिस बात है वर्क परमिट के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो आराम से आपको वीज़ा दे देते हैं। इसके साथ अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो करैक्टर सर्टिफिकेट जो है हमारे पास बहुत स्पेसिफिक मेम्बर्स आते हैं, बंदे आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ जो DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का जो करैक्टर सर्टिफिकेट होता है उसमें भी वैलिड फॉर स्पेन जो तो लिखा ही होता है, तो वो टेस्ट करा के TCS चले जाते हैं लीगलाइज करवाने के लिए। तो एम्बेसी को वो जो होता है वो करैक्टर सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चाहिए होता, उनके लिए स्पेसिफिक एक ब्यूरो इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है जो वैलिड होता है स्पेन में, और उसके बिहाफ पर आपको रेजिडेंस परमिट या आपने वर्क परमिट के लिए या फैमिली के लिए आपने अप्लाई किया होता है तो उसके लिए वो काम करता है। तो वो आपको ये बताने, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको करैक्टर सर्टिफिकेट का पता लगे कि आपको कौन सा करैक्टर सर्टिफिकेट एम्बेसी में जमा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।